तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 से 12 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का लिंक दे रखे है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो पे क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है और इस फ़ोटो को आपको फुल साइज कर देना है। इस फ़ोटो के लेयर पे क्लिक करना है, इसे भी हमें 12 सेकेंड के आसपास कर देना है। इस फ़ोटो वाला लेयर पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। फिर से हमें फर्स्ट वाले ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, क्रोमा के पे क्लिक करना है, इसे हमें इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डन कर देना है। और हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पे कोई सॉन्ग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो के इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग ऐड है। यदि यदि आप यहाँ पे कोई अदर सॉन्ग ऐड करना चाह रहे हैं तो आइडियो पे आने हैं और यहाँ से आपको जो भी आपको सॉन्ग चाहिए आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट हो जाएगा, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है।